मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मजा आ गया। यहाँ पे भी पाकिस्तानी लड़कियों को भी लंबे ही लड़के पसंद है। लंबा हैरी मैडम लंबा तेरी जान कसम ले लंबा ये तो होगा। क्या चाहेंगी कि आपका जो होने वाला बच्चा हो उसकी मुशाबहत पाकिस्तानी हो या नाइजीरियन हो? I'm proud of being a mixed couple, so mixed. ये जो mixed kid होता है ये आमिर लियाकत जैसा भी निकल आ रहा है ना, तो एक बताएं किस तरह का नाइजीरियन? ये हैं नए नेशनल भेनोई जिनका ताल्लुक नाइजीरिया से है और ये हैं पाकिस्तानी डॉक्टर सालिहा जो कि माँ बाप की इकलौती बेटी हैं। इनके वालदैन और डॉक्टर साहिबा के वालदैन हरिमैन शरीफैन में दौरान हज मिले। दोनों ने आपको प्रपोज किया तो आपका फर्स्ट टाइम रिएक्शन क्या था? पाकिस्तान की लड़कियां पाकिस्तान के मर्दों को फैल कर चुके और बोल चुके भाई इस देश में हमारे लायक पति नहीं है, मर्द नहीं है, अब हमें नाइजीरिया की तरफ जाना पड़ेगा। भाई एक पाकिस्तानी सुंदर सी लड़की नाइजीरिया के एक दानों जैसे दिखने वाले लड़के से शादी कर लेती है और पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर जो एतराज करता है कि तूने गलत किया, अब हमारे पाकिस्तान के होने वाली नस्ल जो है वो कैसी होगी पता नहीं। कैसी है इनकी लव स्टोरी, कैसे इन्होंने शादी करी, चलिए जानते हैं। लाइक अच्छा है, सही है, थिंक अबाउट इट। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को तकरीबन? इट्स बीन 2 इयर्स। 2 सालों में आपने इनको कैसा पाया? वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग ही इज। आमतौर पर देखा जो पाकिस्तानी लड़कियों की मेंटालिटी है वो बड़ी अजीब सी होती है, क्योंकि गोरा चिट्टा लड़का हो जिससे भी शादी करें वो उनके साथ चलता फिरता बड़ा खूबसूरत लगे। आई थिंक वो माइंडसेट बहुत टिपिकली अजीब है, दुनिया चेंज हो रही है। इवन इन पाकिस्तान हमारे बहुत सारे जो है मेल पाकिस्तानीज हैं जो बाहर शादियां करते हैं, हम उनको कवर करते हैं। हाँ जी। हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसकी शादी हो और उसके सपनों का एक राज दुलारा होता है। आपने कभी बचपन में या लड़कपन में ये सोचा था कि आपकी शादी किसी गैर मुल्की से या खास तौर पर नाइजीरियन से होगी? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, ऐसा कुछ भी मेरे माइंड में नहीं था, बट आई थिंक अल्लाह जैसा प्लान करता है, दैट्स हाउ इट इज। हमारे नेशनल भेनोई का नाम हसन है, आपको पाकिस्तानी लड़की से शादी करके कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक इट्स बीन 2 इयर्स एंड दिस 2 इयर्स लाइक इट वाज वेरी गुड। पाकिस्तानी बीवियां अपने हस्बैंड्स के दिमाग की दही बना देती हैं, इन्होंने कभी आपकी दही बनाई दिमाग की? I didn't get the question. Women actually they worried everyone, but at the same time actually they worry you because they love you. So I think like it's something like a very. ये आपको परेशान करते हैं? Not really like worried in a negative way. That is like maybe we men. ये आपको परेशान करते हैं? Not really. जब आपकी शादी हुई और ये यहाँ पर आ गए और हमारे जो cultural differences हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे मेहंदी होती है, बारात होती है, वलीमा होता है, तो जब इन्होंने वो हमारी शादियों की वो तमाम रस्म और रिवाज देखे तो इन्होंने कुछ awkward feeling किया कि मतलब यार ये क्या हो रहा है? नहीं, उन्होंने awkward feel नहीं किया, because ये भी उसी तरह ही जो है सारे cultures और ये सारी हमारी शादी होती है वैसे ही celebrate करते हैं। को इनकी personality में सबसे awkward moment क्या लगता है? When he gets silent, और वो silent mode जो है वो awkward moment होता है। कब होते हैं? Celebrated जो days होते हैं जैसे women days और birthdays, anniversaries, so ये इनको typical मर्दों की तरह नहीं है, इनको वो दिन याद रहते हैं। By profession आप क्या करते हैं? मैं psychologist हूँ। Psycho? कभी कभी। What's your height? I'm 6. पूरा 6? पूरा 6. आपकी height क्या है? I'm 5'4". आप नहीं समझती कि थोड़े से लंबे हैं? यहाँ पे भी पाकिस्तानी लड़कियों को भी लंबे ही लड़के पसंद हैं। 2 साल आपकी शादी को हो गए, वो पेपर शेपर दे रहे हैं, बच्चे कितने होंगे जिनका मैं मामू बनूंगा? अभी 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 तो कुछ नहीं है, बिकॉज़ वी आर बोथ प्रोफेशनली बिजी इन आवर लाइफ्स, पर जब अल्लाह पाक चाहे तब। यहाँ पर हर दूसरी औरत जो है वो यही बात कहती है कि अल्लाह दी देन है। डू यू नो व्हाट इज अल्लाह दी देन? अल्लाह दी देन, या दैट इज अ गॉड विलिंग एज़ वेल, एंड आई थिंक अल्लाह दी देन है। से क्या चाहेंगी कि आपका जो होने वाला बच्चा हो उसकी मुशाबहत पाकिस्तानी हो या नाइजीरियन हो? I'm proud of being a mixed couple, so mixed. ये जो mixed kid होता है आमिर लियाकत जैसा भी निकल आ रहा है ना, तो एक बताएं किस तरह का होना चाहिए? नहीं नहीं वैसा नहीं। Would you like to dedicate a song to your beautiful wife? Mere rash ke kamar tune pehli nazar jab nazar se milayi maza aa gaya maza aa gaya kamar tune pehli nazar jab nazar se milayi maza aa gaya maza aa gaya aapko bhi maza aaya बेहिजाबाना वो सामने आ गए बेहिजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई और जवानी जवानी से टकरा गई मजा आ गया बहुत मजा आ गया। आप किस सॉन्ग डेडिकेट करना चाहें इनको? मुझे बाकी कोई सॉन्ग नहीं है, कोई भी सुना दें। मुझे नाइजीरियन सुना दें आप। मुझे नाइजीरियन सॉन्ग नहीं आते। बड़े बड़े डीजे ब्रावो डीजे नाइजीरियन नहीं गाना नहीं है।
हसन, आपको पाकिस्तानी फूड्स में कौन कौन सी डिशेस पसंद है और कौन कौन से एरियाज अभी तक आप ट्रैवल कर चुके हैं? वाह 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 वाह। सबसे पहले चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, चिकन कढ़ाई, पुलाव। टिंडे खाएंगे कभी? टिंडे? टिंडे नहीं पता। घिया कद्दू? नहीं पता। आलू बैंगन? आलू हाँ। बैंगन बैंगन? शी नो बेटर। यस। आपको इन्होंने क्या क्या बना बना के खिलाया? चलो चले चलो आप चलो चलो फ्राइज। और इसके अलावा? इसके अलावा बहुत सारी फ्राइड फूड, यम्स एंड। तो भाई देखा आपने कैसे जो पाकिस्तान की लड़कियां भाई पाकिस्तान को छोड़ करके नाइजीरिया के जो भाई काले कलर के जो भाई दानों जैसे लड़के होते हैं उनसे भाई सादिया रचा रही है। सादिया रचाने का भाई रीजन आपको पता हो, जो पाकिस्तान के अंदर भाई लड़कियां हैं उनको भाई अलग ही तरह की जो मतलब एक अलग ही तरह की जो भाई अनुभूति होती है उन्हें, तो उन्हें कुछ अलग चाहिए भाई हटके। तो ये जो पाकिस्तान की लड़कियां शिफ्ट होने लगी है भाई नाइजीरिया की तरफ, वेस्ट इंडीज की देश जो है उनकी तरफ, और एक नाइजीरियन लड़के से भाई पाकिस्तानी लड़की ने शादी करी है। और भाई जिसकी मैं जब ये वीडियो बना रहा था मैं देख रहा कमेंट्स पढ़ रहा था, तो भाई वहाँ पे लिखा हुआ था कि इस भाई इस लड़की के जो मतलब कोई पाकिस्तानी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो भाई इसको मजबूरी में जो है नाइजीरिया की तरफ जाना पड़ा। दोस्तों क्या सोचते हो भाई, हमें ये तो सुना था कि जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं वो जो है भाई चाइना के अंदर जो उनको डिलीवर किया जाता है मतलब भेजा जाता है पैसों के लिए भाई, ताकि और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो पाकिस्तानी लड़कों से जो है अपने बच्चे पैदा करते हैं इसलिए कि वहाँ की जो आने वाली जनरेशन है उसको अच्छा जो है सुधारा जा सके, उसको अच्छा जो है बेहतर बनाया जा सके, तो उसके लिए पाकिस्तान लड़के जाते हैं। लेकिन भाई अब नाइजीरिया की तरफ से भाई लड़के पाकिस्तान में आए तो भाई निवेदा होने वाली जो पाकिस्तान की जो होने वाली आवाम है उनके जो सैंपल्स होंगे भाई छोटे छोटे कैसे होंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या सोचते हो कैसे होंगे सैंपल्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।